मुझे मेरी कंपनी ने जो है ये माउस सेंड किया है वायरलेस काम करने के लिए। पुराना माउस जो था टूट गया, यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है ना, कंपनी उसी वक्त बाय करके देती है। मेरे को इस Xiaomi का जो है बाय करके दिया है वायरलेस माउस। चलो चला के देखेंगे कैसा रहता है। किंडरगार्टन में जो है अपना साल में 2-3 बार जो है इस प्रकार के कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों को दिया जाता है, कुछ ना कुछ आप बना के लाइए घर से। जैसे ये काफ़ी चीज़ें मतलब कि घर से मॉडल्स वगैरह बनाए थे ओशन को लेके। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि बच्चे वगैरह जो है मतलब कि ओशन के मतलब थीम के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। पतझड़ जिसको बोल सकते हो, ठीक है ना, सर्दी आने से पहले का जो मौसम। एंड अपना मतलब कि अच्छा है। मेरे बेटे का ये जो है फर्स्ट मतलब फेस्टिवल था किंडरगार्टन में। एंड अच्छी बात यही है कि पहली बार मतलब कि बिना जो होता है ना कि सारा दिन शरारतें करनी या किसी भी जगह पे शरारतें करनी, तो मतलब कि अच्छी बात यही था कि यहाँ पे अभी शरारतें नहीं करा। मिनिमम खड़ा है तो इतना ही सुपर है, इतना ही बहुत है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि बच्चे मतलब कि पोइम्स वगैरह गा रहे हैं या कुछ कोई एक्टिविटी है कोई थीम को लेके, ठीक है, या अपना गाने वगैरह भी हैं जो इनके मतलब कि सॉन्ग्स वगैरह कुछ हो गए। लाइव म्यूज़िक जो है प्ले किया जा रहा, आप देख ही सकते हो। जो लेफ्ट हैंड साइड जो मतलब कि इनका जो टीचर है म्यूज़िक का टीचर जो मतलब कि म्यूज़िक प्ले कर रहा है, एंड बच्चे जो है इसके ऊपर गाने का कोशिश कर रहे हैं। एंड डांस भी कोई एक्टिविटी है किसी प्रकार का, ठीक है ना। और वह आप देख ही सकते हो मेरा बेटा भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में मतलब कि पार्टिसिपेट है, मतलब शरारतों के अलावा। तो बस यही अच्छा था। एंड यहाँ पे ऐसा होता है 2-3 बार साल में इस प्रकार के रहते हैं फेस्टिवल्स बच्चों के, तो जो काफ़ी खुश रहती हैं इसमें। ये जो है वेजिटेरियन काकलेट है, सोया पे जिसको बोल सकते हैं सोया काकलेट। एंड ये हाई फाई ग्रेवी, एंड अभी इन दोनों के बीच में मिक्स होंगे, हाई फाई रेडी होगा खाना। कस्तूरी मेथी अभी इसमें किया डाला गया और साथ में ये क्रीम भी है, ठीक है ना। और आप देख सकते हो अभी ये सारा होगा मिक्स, और मिनट प्याज सिम इसको और थोड़ा सा किया जाएगा मिक्स, और ये हाई फाई बन के रेडी होगा। हाई फाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप भी इस चीज़ को ट्राई करो, ठीक है ना। बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहता है, बहुत अच्छा। अभी 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इसको धीमी आंच के ऊपर किया जाएगा। बे देख सकते हो 10 नंबर पे चल रहा बिल्कुल। सुबह सुबह का टाइम है एंड मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जो है यहाँ पे फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है। फर्स्ट स्नोफॉल मतलब कि काफ़ी समय से इंतज़ार रहता है ना, एक सीज़न ख़त्म होता है तो दूसरा, तो काफ़ी इंजॉय होता है। अभी सुबह सुबह बच्चे जो है काफ़ी ज़िद कर रहे हैं बर्फ़ में जाने के लिए, और कोई तो काम नहीं। इनका जो बच्चों का खेलने वाली जगह होती है ना, तो मतलब कि जो घर के इनसाइड में होता है एरिया, तो वहाँ पे तो सुबह सुबह खेल के आए। अभी इसको दूसरा काम दिया कि गाड़ी के ऊपर जो भी बर्फ़ गिरा है तो उसको साफ करें, तो अभी देखते हैं कैसे करता है ना भाई। करो करो साफ करो साफ करो। अभी सुबह सुबह कोई और काम नहीं है ना, बस यही काम पे इसको लगाया। अस्त रोज ना नूनी नादा शराबत करो मलादीस दवाई दिखा पीरियड नहीं चास्ती चीज़ जल तेरे वाह दवाई पीरियड नहीं चास्ती चीज़ जल पीरियड नहीं दवाई वो सुधा सुधा सुनो वो ताम ताम नोटना ताम मनोगा दवाई ती उबरा है पचल उसका दा तीखा तीखा पतीखा तीखा दा वाह सो चीज़ती अकुरात नहीं का खरा शो दोस्तों। अभी जो है फर्स्ट जो है स्नोफॉल हुआ पीटर में, तो
तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है काफ़ी समय के बाद, मतलब कि एक सीज़न ख़त्म होता है ना तो नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होता है, तो काफ़ी उसका वेट रहता है। अभी सर्दियों का वेट था, सर्दियां शुरू हुई हैं अभी शुरुआत हुई है, लेकिन जो बोलते हैं ना जिसको प्रॉपरली जो विंटर, अभी जो है सर्दियां की शुरुआत हुई है, जिसको आप बोलते हैं ना जिसको प्रॉपरली विंटर। प्रॉपरली विंटर क्या है यहाँ पे कि देखो माइनस 4 हो गया 5 हो गया इसका कोई मैटर नहीं है, मतलब कि ये नॉर्मल है यहाँ पे, बिल्कुल ही नॉर्मल। ये गर्मियाँ गर्मियाँ ही बोल सकते हैं इसको, लेकिन जब होता ना यहाँ पे एक्चुअल में -15, ठीक है ना, तो -15 में सब कुछ बदल जाता है। -15 में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मतलब कि अभी जो मैंने हाथ में टेलीफोन पकड़ा है तो इतना समय जो है टेलीफोन पकड़ना पॉसिबल नहीं होता, मतलब इतना ज़बरदस्त ठंड होता है। और जब यहाँ पे मतलब कि टेम्परेचर आता है -20 तो गाड़ियों का सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, मतलब कि बैटरी वगैरह डाउन हो जाता है रात से सुबह में, ठीक है ना, तो सारा हर चीज़ देखना पड़ता है, दरवाजे नहीं खुलते गाड़ियों के। ओए तेरी आसने का बुल करता, ओए होए मेरी गाड़ी का शीशा खुला रह गया कल कहीं से। अरे भाई चलो करते हैं इसको क्लोज बाई मिस्टेक, अंदर इसका मतलब इसके अंदर बर्फ़ जा चुका है, अभी तो चेक करना पड़ेगा मेरे को। जी सुधा सुनो, जी सुधा, ओए गाड़ी के अंदर बर्फ शीशा खुला रह गया गलती से। चलो अगर बारिश होता तो ज़्यादा काम खराब होता, बर्फ़ है तो थोड़ा सा है, अभी उठा लेते हैं इसको अभी। दोस्तों एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे जब सर्दी होता है ना तो जो एंटी जो मतलब कि गाड़ी को ठंडे रखने वाला जो मतलब केमिकल वगैरह यूज़ होता है जो भी, ठीक है ना, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है माइनस में यूज़ होता है, मतलब कि माइनस में चलने वाला, ठीक है ना। अगर ये प्लस में होगा या नॉर्मल वाटर या कुछ मतलब कि गर्मियों के हिसाब से कुछ डला हुआ है तो वो काम करने वाला नहीं है, ठीक है ना। अभी ये पढ़ सकते हो -40 में चलने वाला है एंटी फ्रीज, ठीक है ना। तो अगर ये दूसरा होगा तो रेडिएटर वगैरह में बन जाएगा सीधा बर्फ़, और आपका गाड़ी जो है पूरी सर्दियों में खड़ा रहेगा, ठीक है ना। बाद में इसको स्पेशली लेके जाना पड़ेगा गैराज में, यहाँ पे इसको गर्म किया जाएगा, फिर सारा मतलब कि ओवरऑल जो है दोबारा सारा मतलब कि सब कुछ इजेक्ट करके दोबारा इसमें इंसर्ट किया जाएगा प्रॉपरली, जो स्पेसिफिकेशन के साथ इसका जो इंजन ऑयल वगैरह जो रहता है, ठीक है ना, गाड़ी का। तो ये हर चीज़ जो है माइनस के हिसाब से होता है, ठीक है ना, हर चीज़ जो है माइनस के हिसाब से होता है कि माइनस में चलने लायक हो। गर्मियों में चलने लायक नहीं होता ये, मतलब कि गर्मियों का टेम्परेचर मैक्सिमम +20 +25 उसी के हिसाब से ये प्रोडक्ट है। अगर गर्मियों की बात करें कि इंडिया में यही प्रोडक्ट इंडिया में यूज़ किए जाएँ तो फिर गाड़ी को अलग से प्रॉब्लम आएगा, जैसे ओवर हीटिंग हो रहा है या कुछ ऐसा, ठीक है ना, जहाँ मतलब कि प्रॉपरली मतलब कि इंजन ऑयल आप बोल सकते हो अगर प्लस में चल रहा है माइनस वाला, तो आप समझ ही सकते हो इंजन को वैसे ही डिफेक्टिव करेगा, ठीक है ना सारा। तो अभी ये जो है सब कुछ माइनस के हिसाब से है, तो अभी मैं इसको फुलफिल करूँगा ताकि सर्दियों के लिए गाड़ी जो है रेडी हो सके प्रॉपरली, और आगे और भी कंटिन्यू करूँगा, और भी कुछ ना कुछ चीज़ें बताऊँगा जो यहाँ पे सर्दियों में यूज़ होती हैं, मतलब कि जो ज़रूरी है करनी गाड़ी के साथ, अगर नहीं करेंगे ना तो गाड़ी चला नहीं पाएंगे आप प्रॉपरली, इवन की रूल के हिसाब से ला ब्रेक करेंगे आप, सीधा फाइन होगा सर आपको। यहाँ पे जो भी है घर का सामान या जो भी है प्ले अपना ऑनलाइन मार्केट से बाय किया जाता है, ठीक है ना, मार्केट प्लेस से। और छोटा सा मैंने वीडियो जो रिकॉर्ड किया आप देख सकते हो इनसाइड कैसा है, आप अपना जस्ट कोरियर वगैरह जो भी है अपना रिसीव करते हो, एंड आप देख सकते हो अंदर से किस प्रकार से, कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट ऑर्डर आप लेते हो जाते हो आगे। एंड एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है एक्सीडेंट के रिगार्डिंग, ये देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा, तो यहाँ पे रूल है कि जब तक मतलब कि पुलिस नहीं आएगा तब तक मतलब कि आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से, चाहे छोटा सा टच भी हो स्क्रैच भी हो जो भी है, जब तक पुलिस नहीं आएगा तो कोई रिपोर्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं आगे, इंश्योरेंस भी कुछ क्लेम नहीं होगा। तो जो चाय ककीता ऐता ककीता चाय ऐता आतम बर्गर नवेरना तो तक सलाद किस्तो था
अभी जो है हम लोग एंटर किए हैं दो पिज़्ज़ा में। यहाँ पे ये फेमस ब्रांड है, मतलब कि ये कहने वाला तो पिज़्ज़े के रिगार्डिंग। तो अभी जो है हमने ऑर्डर किया एंड अभी पिज़्ज़ा आएगा, पिज़्ज़ा और इसके अलावा कुछ ककटेल वगैरह बच्चों के लिए। तो वेजिटेरियन यहाँ पे, चलो अच्छी बात है, दो चार ऑप्शन है वेजिटेरियन। अभी आएगा तो देखते हैं कैसा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक और फीचर है, ये आप डेस्क के ऊपर देख रहे हो ना, ये QR कोड, अगर इसको स्कैन करेंगे, अगर यहाँ से ऑर्डर करेंगे ना, तो ये खाना है सीधा आपके टेबल के ऊपर लेके आया जाएगा। मतलब कि आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है, खाना सीधा टेबल के ऊपर आएगा। तो मतलब वीडियो के तौर पर नीली जात не надо было крышечка закрой. Давай я буду. Сейчас тебе папа даст трубочку. А что ты делаешь? Надо вот. Теперь надо попробовать. Сейчас подойди, я еще. Да. Это второй. О, это вкусное. Убрать можно? А это можно сломать. Папа, сломай как-то. Сломано. Ну давай первый пить вот это, потом коктейль, потом он горячий. क्वालिटी हाई फाई, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कि टेस्टी है, इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं। अच्छा твоё? Хорошо, это твоё. Спасибо. Это твоё. Всё вкусно? Это тоже моя. अभी रात का समय है, और मतलब शाम का समय, रात नहीं है शाम है, और हम लोग घर से निकले अभी संतरे लेने के लिए। बच्चे काफ़ी समय से जिद कर रहे थे संतरे खाने, ऊपर से निकल रहे हैं मेरे से संभाले उठ। मतलब बच्चे बोल रहे थे कि संतरे वगैरह खाने हैं, तो चलो चलते हैं संतरे लेने ठंड में। हाँ, एक साइकिल पे और दूसरा जो है अपना ट्रेडिशनली सामा कार्ड। ओए ठीक है दानिल, काम मशीन का खो दे। दवाई अकुरात नहीं का, खराशो
ये भागता रहता सड़क के ऊपर, इसको रुकना कई बार बोलना पड़ता है कि धीरे चल रहे हैं। नेत यानी बुध बेग सुनो, यहाँ से वैसे यहाँ पे कुछ भी खतरा नहीं है, रात को निकलो शाम को निकलो 24 आवर कभी भी घर से निकलो, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है यहाँ पे। अभी भी देख लो यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, मतलब सर्दियों का समय ना बहुत जल्दी सूरज छुप जाता है यहाँ पे, मतलब डल जाता है कहने का, मतलब 4-5 बजे जाके सूरज जो है डल जाता है प्रॉपरली, और अभी तो और ज़्यादा होगा, अभी जब सर्दियाँ बढ़ेंगी ना प्रॉपरली थोड़े दिन में बढ़ी जाएंगी। हाँ तो उस्ताल उजे, जब थोड़े दिन में सर्दियाँ बढ़ेंगी ना तो फिर तो और ज़्यादा अंधेरा होगा, बिल्कुल ही अंधेरा। फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ पे, ये सेंटर का एरिया मेरे घर पे, मतलब कि सबके लिए, जो सब घरों का इनसाइड तो अलग से रहता है खेलने के लिए, और आउटसाइड में ये छोटा सा, काफ़ी कुछ है फुटबॉल वगैरह बास्केट वगैरह खेलने का। चला चौबीस घंटे ये सिटी चलती हैं, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कहीं पर भी घूमो ठीक है ना, किसी सड़क रोड पे घूमना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि जंगलों में चले जाओ रात को 4 बजे तो फिर खतरा हो सकता है। वैसे सब कुछ सेफ है। संतरे, ग्रेपफ्रूट, मंदरिन, सेब वगैरह, रेड सेब, ग्रीन सेब, कितनी वैरायटी लगी रहती है। 10 किलोग्राम को तुम जैसे से वो भी खसी जा। 10 किलोग्राम? हाँ, जैसे से ये खास। हाँ, ड्राई फ्रूट, ये कुछ अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो लगा रहा है ये ओपन है, मतलब ड्राई फ्रूट अगर अच्छा लेना तो कोई और दुकान वगैरह से लेना पड़ेगा। अच्छा, सर्दी का मौसम और आइसक्रीम खरीद रहे हैं बच्चे। वही चॉकलेट दे दो। ये तो छोटी सी दुकान है, सुपर मार्केट होगा। अच्छा तो बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा। Чего? Не могу ты этот. Какой надо тебе? Как раньше? На карту, пожалуйста. Положи мою рюкзак. Положи мою рюкзак. Давай положи тебе в рюкзак мандаринки, да? Да. Ну давай все так. Рюкзак не такой большой, Данил, как ты думаешь. Где только мандаринки пойдут. Мы еще бананы можем. Все, все. А еще мандаринки. Набор капюшон положи тебе в книгу. Хочешь? Нет. Ну все, я ऑटोमेटिक का सब लो। फिर
आज जो है संतरे बाय कर लिए गए हैं, आइसक्रीम बाय कर ली गई है और आज का दिन हुआ एंड। सो बाय बाय दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।